क्योंकि उसके पास आर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उनको संभालते संभालते सैलरी देते देते और लैंड वगैरह जमींदारी जागीरदारी देते देते उसके पास चीज़ें बची नहीं थी। तो इस कारण जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुकी थी। तो अब हुमायूं कैसे डील करेगा इन सब चीज़ों से वो हम देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बाबर ने कहा था कि अपने भाइयों को सही से और सबका अपना अपना हक दे देना। तो इन्होंने बाबर ने डिवाइड कर दिया अपने एम्पायर को अपने ब्रदर से। देखिए, कमरान जो थे उनको काबुल दे दिया, कंधार जो था काबुल और कंधार दे दिया, मिर्ज़ा अस्करी जो थे उनको संभल दे दिया, और मिर्ज़ा हिंडाल को जो है ना अलवर और मेवाड़ दे दिया। तो इनको जो है आप देखिए ध्यान में रखिए किनको कौन सा पोर्शन इंडिया का मिला। बाबर का चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को बदखां दे दिया, जो कि अफगानिस्तान का एरिया है, बदखां राइट, अफगानिस्तान से आगे को है। 1532 में ही डिफीटेड दौरा सी चुनार, इसने दौरा को 1500 दौरा किंग को 1532 में डिफीट करके चुनार, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर और मुगल सराय के बीच में पड़ता है, उस फोर्ट को इसने कंक्लूड कर लिया। एंड वहाँ पर उसने अलाउ कर दिया कि शेरशाह सूरी को उस फोर्ट को रिटेन करेगा, उसकी देखभाल करेगा, उसे मेंटेन करेगा, और 1 महीने में वो जो है 4 महीने के लिए रेस्ट के लिए चला गया। देखिए, इनको कहा जाता है कि रानी कर्णावती जो थी, राणा सांगा की वाइफ, जिसको जो है बैटल ऑफ खानवा में मार दिया गया था पॉइजन देके, और बाबर जो है जीत गया था इस बैटल में। तो यहाँ पर उनको एक बीडो जो होती है उनकी एक राखी भेजती है हुमायूं को कि हमारे किंगडम को आप बचा लीजिए। बट ये किस हद तक सही है उसका कुछ पता नहीं है, एनसीईआरटी में बस लिखा हुआ है, उस पर भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने बाबर ने कंस्ट्रक्ट क्या करवाया, दिनपना सिटी जो है दिल्ली में बनवाया इन्होंने। और ये जो था, देखिए ये 4 महीना जो गया था ना लाहौर, ये क्या करता था, ओपियम लेता था, कैनाबिस गांजा वगैरह लेता था, एकदम आराम से अल्कोहल लेता था, बहुत इंजॉय करता था, मस्त मलंग लेने रहने वाला व्यक्ति जिसको कह सकते हैं। तो इसके वहाँ पर मस्त मलंग रहने के कारण जो शेरशाह सूरी था उसने धीरे 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 लोगों को इकट्ठा करके अपना किंगडम बना लिया। अपना किंगडम बना लिया तो अब वो जो बगावत कर देगा किसके खिलाफ़, तो शेरशाह हुमायूं के खिलाफ, और जो है अपना शेरशाह सूरी डायनेस्टी बनाएगा। देखिए, से जो हुमायूं था इसको अपने ही भाइयों ने बहुत धोखा दिया, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा धोखा दिया है। जो अस्कारी था राजस्थान वाला एरिया उसने जो है ओवरटुक कर लिया। ठीक, बहादुर शाह जो था ये इसका भाई तो नहीं था, खैर ये गुजरात का किंग था, तो ये गुजरात का भी एरिया जो है हुमायूं छीन गया। उस 4 महीने में इसके साथ बहुत बुरा हुआ, सब कुछ छीन गया। जो बिहार का रीजन था वो भी जो है शेरशाह सूरी ने छीन लिया, फिर उसके बाद जो है गुजरात का रीजन था वो भी, मालवा का रीजन था वो भी लॉस्ट हो गया, जो कि बाबर ने इसको जीत के दिया था। फिर उसके बाद जो गुजरात का एरिया था वो भी इसके बहादुर शाह ने इससे छीन लिया, और इसके भाइयों ने कभी भी मदद नहीं करा। उसे मदद के लिए भेजता था इन्विटेशन लेटर वगैरह भेजता था, फरमान वगैरह, लेकिन वो सुनते नहीं थे। तो जब शेरशाह सूरी ने रिजेक्ट कर दिया कि मैं इस किला को खाली नहीं करूँगा चुनार को, और मैं बिहार में तुम्हें आने नहीं दूंगा, तो ये बंगाल की तरफ बढ़ता है। किधर के साइड, बंगाल के साइड में। क्यों बढ़ता है कि सोचता है कि कुछ पैसे रिकवरी हो जाए, वहाँ पर मिनरल्स वगैरह हैं और बहुत सारे भंडारण है, तो उससे कुछ पैसे रिकवरी हो जाए। बट ऐसा कुछ नहीं होता। बंगाल जाने से पहले जाहिर सी बात है उसे पहले बिहार से गुजरना पड़ेगा। तो बिहार से गुजरने के लिए 25 जून 1539 को बैटल ऑफ चौसा होता है, जहाँ पर शेरशाह सूरी जो है हार जीत जाता है, हुमायूं जो है हार जाता है, और फिर यहाँ से हुमायूं भाग जाएगा। फिर 17 मई 1540 को शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं का यूज़ होता है, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ कन्नौज कहते हैं, या फिर बिलग्राम एक जगह है कन्नौज उत्तर प्रदेश के पास, तो यहाँ पर युद्ध होता है। यहाँ पर भी शेरशाह सूरी जीत जाता है, और यहाँ पर जीतते ही कन्नौज जो है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, कानपुर और आगरा के बीच में पड़ता है, तो आगरा जब राजधानी थी मुगल सल्तनत की, तो इसे कैप्चर कर लेता है, और दिल्ली को भी पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है। तो थ्रोन पे कौन आ गया दिल्ली सल्तनत पे, तो दिल्ली सल्तनत पे आपके शेरशाह सूरी आ गए। फिर हुमायूं क्या करता है, ये वांडर्ड हो जाता है, यानी कि भूखा प्यासा नंगा नुंगा, जितना इसके बाद कुछ बचता ही नहीं, ये जो है सिंध चला जाता है, और सिंध में जो है 15 साल वहीं बिताता है अपना। तो आप लोगों को यहाँ तक वीडियो आई होप कि अच्छा लगा होगा। तो देखिए, हुमायूं जो था वो सबसे ज़्यादा फाइट
लूज करने का क्या कारण था, उसके भाइयों ने कोई सपोर्ट नहीं किया, कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, भेजता था लेटर वगैरह लेकिन कोई जवाब नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करते थे वो लोग। हुमायूं नामा जो है लिखा गुलबदन बेगम ने, किसने लिखा हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम ने। इसमें हुमायूं के बारे में लिखी गई है कि उनके भाइयों के बारे में लिखी गई है इस हुमायूं नामा में। और ये मरते कब हुमायूं, 1 जनवरी 1556 को दिनपना यानी कि दिल्ली में एक सिटी है दिनपना, वहीं पर इनमें इन्होंने लाइब्रेरी बनाया था, उस लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के मरते हैं। तो आपको पता रहना था कि सीढ़ियों से गिर के मरते हैं कौन, तो हुमायूं, और पोलो से गिर के कौन मरते हैं, तो इल्तुतमिश जो है पोलो से गिर के मरता है, घोड़े से गिर के मरता है, सॉरी। ही वॉज द रोमांटिक एंड रैक्स म्यूजिक वगैरह सुनते थे।